समांतर श्रेणी का एक
चलिए सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है।
तो इसको मैंने इस तरीके से देखा। अभी देखो और क्या है, और कौन सी कंडीशन मेरे पास, ये दो ही कंडीशन है, तीसरा पद तो सुन रहा है, और सातवां पद पांच मिनट से बारह अधिक, तो आपको समांतर श्रेणी क्या है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, a7 मेरे पास है, a5 प्लस 12, a7 का मतलब हो जाएगा n की जगह में 7 रखूंगा, n माइनस 1, तो n की जगह मैंने 7 रखा, तो 7 माइनस 1 क्या मिलेगा 16, अरे यहां पे देखो a प्लस n माइनस 1 गुणा d करते हैं, n की जगह 7 रखूंगा, 7 माइनस 1 की, तो a प्लस 16 मिल जाएगा, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है। अब a5 है, a5 का मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, 5, n की जगह मैं लिखूंगा 5, 5 माइनस 1, और ये मेरे पास 12, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो मेरे को वैल्यू निकालनी है डी की, और किसी भी समांतर श्रेणी को निकालने के लिए अगर मेरे पास प्रथम पद है और फिर मेरे पास उसी का सार अंतर है, तो मैं उसकी कोई सी भी सीधी समांतर श्रेणी बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो मेरे को a और d की रिक्वायरमेंट है, तो देखो इतनी यहां से क्या निकाल सकता हूं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस का है, इधर आके तो कैंसिल आउट हो गया। अब 6d है, ठीक है, ये प्लस के 4d, इधर आके माइनस के 4d, और यहां पर 12 बच रहा है, 6d माइनस 4d कितना हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12, और यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी 12/2, 12 बटा 2 कितना मिल गया 6, तो d की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब अगर मैं a और निकाल लेता हूं तो मैं समांतर श्रेणी बना लूंगा, तो देखो a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो एक और कंडीशन मेरे को दे रखी है कि a3 इसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो a3 मेरे को दे रखा है 16, ठीक है। a3 का मतलब क्या है, a plus n minus 1, तो पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, n minus 1 d equal to 16, n की जगह 3 रखूंगा, 3 minus 1 कितना मिल गया, a plus 3 minus 1 2 d equal to 6, जो d की वैल्यू मेरे पास है 6, तो मैं यहां पर रखूंगा d की वैल्यू 2 गुणा d की वैल्यू कितनी है 6, ये 16, 2 गुणा 6 कितना जाएगा 12, यहां से 16 माइनस के 12, तो a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है मेरे को, 16 माइनस 12 4, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4, ठीक है। अब देखो मेरे पास a भी है और यहां से मैंने d निकाल रखा है, तो मैं कोई सी भी सीरीज आप बना सकता हूं, जो a की जगह मैं रखूंगा 4, अब 4 प्लस d करूंगा तो कितना जाएगा 10, 10 में 6 और जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 16, 16 में 6 और जोड़ूंगा तो 22, इसी तरीके से मेरे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, ये मिल गई। तो समांतर श्रेणी क्या होगी, सेक्शन थी 4 10 16 22, इसी तरीके से आप साल अंतर जोड़ते जाइए, जैसे पहला साल मिला उसमें साल अंतर 8 किया, 4 में छेद किया 10, 10 में छेद किया 22, 22 में छेद किया 28, इसी तरीके से समांतर श्रेणी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, जो कि पास में पढ़ने में चेक इतने क्वेश्चन बताए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात, क्वेश्चन मेरे पास तीन अंकों वाली कितनी संख्या है, सात से विभाजित, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या है सात से विभाजित है, तो पहले आपको यह पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि तीन अंकों वाली कौन सी संख्या होगी, तीन अंकों वाली संख्या है, तो पहले तीन अंकों वाली संख्या को जो 99 तो दो अंकों की संख्या है, फिर मैंने लिखा 100, 101, 102, 103, तो तीन अंकों की प्रथम संख्या कौन सी है 100, तो तीन अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है 100 भी, 101 हो गया, 102 हो गया, 100, तो प्रथम तीन अंकों वाली संख्या मेरे पास होती है 100, 101, 102, 103 और 999, लेकिन देखो इसमें से मेरे को ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, तो 100 जो जो मेरे पास 7 से विभाजित नहीं है, तो मैं निकालूंगा 7 से विभाजित, 7 से विभाजित प्रथम तीन अंकों की संख्या, इनमें से कौन
सी संख्या जो है जो मेरे को 7 से विभाजित है? 105 जो है क्या है ऐसी प्रथम संख्या जो किससे विभाजित होती है? 7 से। लगा के देखो भाई विभाजित मतलब उसमें कंप्लीट डिवाइड जाएगा। 7 का डिवाइड में 105 में लगा रहा हूं, 1 बन गया 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 5 लिखा 7 5 35। ठीक है तो 7 से कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो प्रथम 7 अंकों 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या है 105। और अंतिम संख्या कौन सी है? 994। आप इसमें भी डिवाइड लगा के देखिए, अंतिम संख्या जो है 3 अंकों की वो है जो कि 7 से डिवाइड होती है 994, 994। अब देखो मैं सीरीज बना सकता हूं, क्योंकि प्रथम पद मेरे पास आ चुका है और लास्ट पद आ चुका है। ठीक है तो प्रथम पद होगा इस सीरीज का 105 में मैं 7 और जोड़ूंगा तो 112 मिलेगा, वो भी 7 से विभाजित होगा। 112 में 7 और जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 117 जो कि 7 से विभाजित होगा, तो लास्ट में मेरे को जो मिलेगा वो है 994। ठीक है ठीक है 105 112 117 994 ये मेरे को अब समांतर श्रेणी में चुकी है 7 से विभाजित। ठीक है 105 112 119 994 जो कि 7 अंकों से सॉरी 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या है। ठीक है अब देखो मेरे को निकालना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, मतलब n अंकों निकालना है टोटल कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो मैं मेरे को पता है n अंकों निकालने का फार्मूला an a plus n minus 1 गुणा d an मतलब लास्ट वाला कितना 994 a कितना है 105 n minus 1 n तो n लिखने में पता कितनी संख्या निकालनी d कितना है 112 में से आप 105 घटा दो कितना मिलेगा 7। ठीक है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आप। ठीक है ये प्लस का 105 इधर आएगा माइनस का 105 n माइनस 1 गुणा 7 यहां पे गुणा में चला के डिवाइड है इधर बच गया n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो 994 में से आपको सब्ट्रैक्ट कराना है 105 इधर करा के देख लो आप रूट में। ठीक है 14 में से 5 गया कितना मिलेगा 9। अब ये 8 बच गया 8 में से 0 घटाया 8 9 में से 1 घटाया 8 8 9 और डिवाइड विद n माइनस 1। ठीक है अब 889 में मेरे को डिवाइड करना है 7 1 बार गया 8 में 7 गया 1 फिर 18 फिर 2 4 और फिर 9 तो मतलब 889 में अगर मैं 7 का डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 127 इधर है n माइनस 1 n निकालना है मेरे को जो भी संख्या तो n इस प्लस के 1 को मैं इधर ले लूंगा 127 प्लस 1 कितना मिल गया 128 अतः 103 अंकों की संख्या है 128 3 अंकों की संख्या है 7 से विभाजित। देखो इसको दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको 7 से विभाजित प्रथम 3 अंकों की संख्या 105 अंतिम संख्या 994 105 के साथ जोड़ते हैं ये सीरीज बनाई लास्ट वाला मेरे पास 994 n ऊपर निकाल लेना फार्मूला मैंने लगाया n a plus n minus 1 गुणा d n मेरे पास 994 है ये मेरे पास 105 n मेरे को निकालना कितने पद है जो कि 7 से कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित इसको आप सॉल्व करने पर n मेरे को मिल गया 128 तो मतलब 3 अंकों की टोटल 128 संख्या है जो कि 7 से विभाजित है। ठीक है बच्चों